मैं रेडी हो गया हूँ। आप लोग तैयार हो बेटा नमाज को चले? यस। बस नमाज के लिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज हमारे यहाँ 7:45 बजे। माशाल्लाह नमाज पढ़ ली हम लोगों ने, सब एक साथ मौजूद, सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई आप सब लोगों को भी, ईद मुबारक भी। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के लिए तैयार। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी मैंने कर दी है, ये देखें। मैं रेडी हो गया हूँ। आप लोग तैयार हो बेटा नमाज को चले? यस। बस नमाज के लिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज हमारे यहाँ 7:45 बजे। चलो भाई चलो नोमी जल्दी आओ यार। नहीं चलो चलो आ जाओ बेटा आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ। सब नमाज शरीफ का तरीका ये है कि पहले नियत करेंगे कि हम 2 रकात उसके बाद फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे और 1 रकात। माशाल्लाह नमाज पढ़ ली हम लोगों ने, सब एक साथ मौजूद। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली है, रिजवान अंकल भी हमारे साथ मौजूद है और नोमी भाई जी। मुबारक आप सबको, ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई आप सब लोगों को भी, ईद मुबारक। तू भी भाई उधर, तू भी भाई, तू भी भाई। यार पापा निकल गए आगे, आगे चले कहां आ गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह चलो ईद मुबारक आयान शिबी बॉय। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये तो ईद तो मिल जाए उधर ले कर। ऐसे में इसी बात को 2 साल पहले से फोड़ नहीं मार दिया था। हाँ ईद मिल जाए, ईद मिल जाए उधर ले कर। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के लिए तैयार। वो देख रहा देखो क्या कर रही है। तुम पकड़ लो, तू अटिया। एक काम होने जा रहा है, सुनने दे भाई आपका। साजिद, साजिद भाई। अच्छा ये है हमारे रफीक भाई, ये लेके आए हैं साजिद भाई को। आपका क्या नाम है भाई? राशिद, राशिद भाई, साजिद भाई, राशिद भाई। शाहरुख भाई हमारे नसीब में साजिद है। शाहरुख, अच्छा हाँ ये तो इसके नहीं, इसने इसने जिस तरह मुंडी पकड़ी हुई थी ना। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी मैंने कर दी है, ये देखें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सबों की कुर्बानियों को अपनी बारगाही में कबूल व मंजूर फरमाए, और हर साल बढ़ चढ़ कर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कुर्बानी के अंदर अपना हिस्सा डालें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस लायक बनाएं कि हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन अल्लाह की राह में कुर्बानी दें। कुर्बानी का जो मेन मसरफ़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस मसरफ़ पे कुर्बानी करने की तौफीक इनायत करे। तो कुर्बानी कर दिया आप लोगों को, गाय बेगाय दिखाएंगे। एक लंबा प्रोसेस है, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक का। बस थोड़ा सा रेस्ट और चाय के लिए मैं थोड़ा सा घर में आया हूँ। बाहर जो उन्होंने गाय ज़िबा की थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो अब 4 पीस करके अंदर घर में आ गए, और गोश्त बनने की आपको आवाज़ें तो आ रही हैं। तो चाय पी लें इंशाल्लाह, चाय पी के फिर बाहर जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। आज सुबह से ही आप देख रहे हैं कि पहले माशाल्लाह नमाज, नमाज के बाद फिर कुर्बानी, और अब यह कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है, और फिर इसके बाद जो होगा वो सिलसिला होगा गोश्त को तकसीम करने का। तो ये मसरूफियात हैं आज की, मसरूफियात के अंदर आप लोग भी शामिल हैं, यानी आपको पूरी अपडेट दे रहा हूँ। तो ये मेरी मसरूफियात जितनी है आज की, या आप इससे बाखबर रहें।
तो इंशाल्लाह फिर आपको बाखबर और भी रखते हैं भाई। माशाल्लाह साजिद भाई कूटने में लगे हुए हैं, शाहरुख जो है वो पीस बना रहा है जी। तो दोस्तों माशाल्लाह कुर्बानी से फारिग हो गए, सारा नीट एंड क्लीन हो गया है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसको देखें और इसको समझें, ये हम सब के लिए है। देखें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी कुर्बानी करता हूँ ना तो जो भी उसकी गंदगी है कुर्बानी की या जानवर की, अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन कुर्बानी करते हैं उसके बाद उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देते हैं जगह, जैसे अपने घर को करते हैं इसी तरह बाहर को भी करना चाहिए। लोग कैसे हैं क्या करते हैं इसको छोड़ें। आज भी मेरे घर के सामने किसी घर से पानी आ रहा था, मैंने उन्हें खटखटा के बोला, उन्होंने पता मुझे क्या जवाब दिया, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आज के दिन भी पानी नहीं बहाएंगे तो फिर कब बहाएंगे। मैंने उनसे कहा, अंदर से एक चाय पर बोली थी ये बात, मैंने कहा किसी को बाहर भेजे, उनसे बोले पानी का वे बनाए कि किस तरह इसको एग्जिट मिलेगा, आप कोई नाली बनाए कोई गटर बनाए। अक्सर लोगों ने आना जाना होता है लेकिन कोई इस बात को समझता नहीं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या सिलसिला था जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे हमारी गाय बनी हुई थी और ये हमने डेयरी संभाल के रखी है, एक जगह कर दी। ये अब हम क्यारी को थोड़ा सा ऊंचा करेंगे तो यहाँ पे डालेंगे तो ये हमारे काम में आ जाएगी। ये देखें, ये हमारी नीट एंड क्लीन रोड जो है वो आपको दिख रही है, क्लीन कर दी। और इसके अलावा ये देखा, इस घर में देखें, इस घर से ये पानी आ रहा था और ये देखें पानी का हाल, और ये इनका अपना चबूतरा देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। पता नहीं यार लोग कैसे होते हैं, ये देखें ना, आने जाने वालों को परेशानी, पैदल चलने वालों को परेशानी, जिसकी जितनी समझ वो उतना काम करता है। मुझे चीज़ें क्लीन और सिस्टमेटिक वे के अंदर पसंद है हर काम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस कुछ इसी तरीके की मेरी आदत है, मैं अपने मुंह क्या मियाँ मिठू बनूं। अच्छा तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल अज़हा 2023 का फर्स्ट डे हमने गुजार लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी भी कर ली। एक बार फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के कुर्बानियों को अपनी बारगाही में कबूल व मकबूल करे। अब आपसे इजाज़त का टाइम है, इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे, एक नया व्लॉग लेके आएंगे। अब ये ट्रेंड मेरे ख़्याल से ख़त्म पे, तो ये बकरीद वाला सीज़न डी एंड हो गया, लेकिन अभी 3 दिन बाकी हैं, नहीं सॉरी अभी 2 दिन बाकी हैं। तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ इन 2 दिन में देखते ये ट्रेंड अभी रहता है या नहीं रहता, हमें हो सकता है कि कोई और स्टोरी मिल जाए, कहीं और कोई कंटेंट मिल जाए, हम वो करें, तो इंशाल्लाह करूँगा, ज़रूर करूँगा। आपकी खिदमत में नए ब्लॉग के साथ फिर हाजिर होऊंगा, जब तक अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम।